नमस्कार दोस्तों, उत्तम टेक्निकल हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एपेक्स लॉन्चर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा इसका, काफी अच्छे डाउनलोड्स हैं, आप इसको आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या यूज है इसका, क्या इससे प्रॉफिट है, क्या इससे आपका लॉस है, हर चीज की जानकारी यहां पे देने वाला हूं। कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, हर चीज यहां विस्तार में बताऊंगा, हिडन फीचर्स भी बताऊंगा दोस्तों। चलिए यहां पे जान लेते हैं सबसे पहले इसका काम क्या है दोस्तों। तो आपको तो पता ही होगा डेली लाइफ में दोस्तों, हमारा फोन किसी के भी पास रहता है, कहीं पर भी रखा रहता है और कुछ भी हो सकता है फोन के साथ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि हम अपने फोन को अगर घर में छोड़ देते हैं तो जो घर के मेंबर होते हैं वो कभी कभी फोन को यूज कर लेते हैं, या छोटे बच्चे अगर होते हैं तो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो यूज करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट ऐप्स पड़ा जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं और उस एप्लीकेशन को आपके फोन में हाइड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस लॉन्चर से आप आसानी से हाइड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको पासवर्ड भी नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल इजीली है, बहुत मस्त इंटरफेस है। ये देखिए मैं वही अभी इतनी समय यूज कर रहा हूँ। ये देखिए आप इस पर आइकॉन छोटा बड़ा जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, मतलब हर चीज़, मतलब आपके फ़ोन में जितनी भी चीज़ें होंगी इस लॉन्चर को एक्टिवेट करने के बाद हर चीज़ कस्टमाइज हो जाएगी, मतलब जो आप सोच नहीं सकते वो चीज़ भी इसके अंदर कस्टमाइज हो जाएगी। बस थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, सेटिंग में जाके आपको उसको खोजना पड़ेगा। तो सबसे पहले बता दूँ ये जो है पेड एप्लीकेशन है, आपको इसको फ्री ट्रायल कुछ टाइम के लिए मिलेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद फिर से आपको इसको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फ्री वर्जन चाहिए तो कमेंट करिए, मैं इसका फ्री वर्जन भी आगे आने वाले वीडियो पे प्रोवाइड करा दूंगा, एक नया वीडियो बनाकर दोस्तों, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को मैं आपको बताते हैं। तो ये देखिए लॉन्चर है दोस्तों। अब यहाँ पे जो इसका हाइलाइटेड फीचर्स है वो है ऐप हाइड। ये देखिए मैं इस पे जाता हूँ इसके सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत तरह के लॉक ये सब दुनियादारी सब कुछ मिलेगा। देखिए ये देखिए ऐप ड्रॉ करने का ऑप्शन है और होम स्क्रीन का ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप होम स्क्रीन में विजेट्स वगैरह को चेक कर सकते हैं, वॉलपेपर वगैरह जो भी चेंज करना चाहे, मतलब कुल मिलाकर हर चीज़ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ऐप ड्राई इसमें जाते हैं, इसमें क्या है भाई, इस पर क्लिक किया हमने सेकंड वाले ऑप्शंस पे, तो ये क्या है, अच्छा साइज को छोटा बड़ा करना है, और इससे मतलब एक साथ कितने एप्लीकेशंस आप यहाँ डिस्प्ले पे दिखाना चाहते हैं उसके लिए है। तो चलिए ये भी सही है, चलिए इतना रख देते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखिए साइज को छोटा बड़ा करने के लिए मतलब हर चीज़ यहाँ पे दी गई है, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हाइड कैसे करना है एप्लीकेशन वो बताते हैं, जो कि मेन इसका फीचर्स है और उसी की वजह से आप रुके हुए हैं यहाँ पे इस वीडियो पे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐप लॉक बता देते हैं। ऐप लॉक अगर आपके फोन में ना हो तो यहाँ से यूज कर सकते हो। ऐप लॉक तो फिलहाल मुझे नहीं यूज करना है क्योंकि मेरे फोन में ऑलरेडी ऐप लॉक लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए हाइड ऐप्स, ठीक है। अब आप जिस एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं उस ऐड हाइड पर क्लिक करिए। जैसे कि मैं सपोज दैट अपने व्हाट्सएप को हाइड करना चाहता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप कहाँ पर है, मैं अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ और हाइड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए व्हाट्सएप और हाइड, अब मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अब आपको व्हाट्सएप दिखेगा ही नहीं। ये देखिए हर एप्लीकेशन दिखेगा लेकिन व्हाट्सएप आपको नहीं दिखेगा कहीं पे भी डिस्प्ले पे। आप वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं। ये देखिए ये दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए कहीं पे भी आपको व्हाट्सएप नहीं दिखेगा। आप घर का जिस भी चाहे तो आप पूरे एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं, डिस्प्ले पे कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर सिक्योरिटी लगा देनी होगी। सिक्योरिटी क्या मतलब, पैटर्न लगा देना होगा जो भी आप सिक्योरिटी एप्लीकेशन यूज करते हैं, या फिर इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। अब इस एप्लीकेशन को हाइड तो कर दिया, अनहाइड कैसे करना है, अगर हमें खुद यूज करना हो तो हमें फिर से इस वाले ऑप्शन पर जाना है, एपेक्स सेटिंग पे, एपेक्स लॉन्चर है ना, तो इसी की सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। ये अनहाइड का ऑप्शन मिल रहा है, इस अनहाइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बैक आएंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये देखिए आपका जो व्हाट्सएप है अभी नीचे आ गया होगा। तो चलिए दिखा देते हैं कहाँ पे, ये देखिए आ गया, तो यहाँ पे अभी नहीं था लेकिन अभी आ गया है। तो इस तरह से आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हैं, स्क्रीन की थीम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वेदर्स लगा सकते हैं वगैरह वगैरह, नाम बदल सकते हैं, आइकॉन मतलब एप्लीकेशन का आइकॉन चेंज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी सेटिंग है। जब आप इसको यूज करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि हाँ क्या एप्लीकेशन है, मस्त। तो उम्मीद है इस एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। एपेक्स लॉन्चर के नाम से आता है, प्ले स्टोर से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्रीमियम वर्जन मिलेगा। फ्री वर्जन अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका मोड एपीके भी दे दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो आज को पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पहले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आगे आने वाली सभी नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका लाभ उठा सके।